लोगों ने गाड़ियां देखो आड़ी टेढ़ी ऐसे खड़ी कर दी जिसकी वजह से जाम लग गया। तो भाई ने पूरे 3 घंटे के भीतर भीतर मतलब 3 घंटे से भी कम समय में हमें यहाँ पहुंचा दिया। तो फाइनली न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं अपन। भूख लग रही थी तो मैं ले आया पिज्जा। तो भाई अपना खाना लग चुका है दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम एक रेंटेड बाइक लेकर निकल चलते हैं दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले जाते हैं चित्रे ट्री गार्डन में और उस जगह पे अपन आधे घंटे से ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं क्योंकि वहाँ की खूबसूरती इतनी शानदार होती है। तो रस्ते में हमें मिलते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे और घूमते फिरते अपन पहुँच जाते हैं अपने सेकेंड पॉइंट बतासिया लूप में, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है चारों तरफ का। और नेक्स्ट हम जाते हैं डाली मोनेस्ट्री में, जहाँ पर बुद्ध की बहुत ही बड़ी स्टैचू होते हैं और बहुत सारे स्तूपास होते हैं। उसके बाद अपन अपना लंच करते हैं और निकल चलते हैं अपने होटल की तरफ और अब करते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू आगे। तो भाई अपने को गाड़ी मिल चुकी है 5:20 पर सिलीगुड़ी के लिए हैंड टू हैंड ये जा रही थी पैसेंजर्स को लेकर। तो जैसे मैंने देखा कि यार 2-3 लोगों की सीट खाली है, आराम से अपन जा सकते हैं, तो मैं बैठ गया जाके। और ये देखिए जाने वालों की भीड़। मुंह धोने का टाइम नहीं है तो वाइप से काम चला देते हैं। स्टीम इंजन वाइप से चेहरा तो ठीक हो जाता है लेकिन बालों का क्या, जो हेलमेट की वजह से खराब हो गया यार। तो दोस्तों दार्जिलिंग के अंदर मोस्टली आपको टाटा सुमो देखने को मिलेगी जो कि शेयर टैक्सी में चलती है या रिजर्वेशन में चलती है। तो अगर रिजर्व करवाते हो तो इसका 4,000 रुपीज़ पड़ता है और अगर आप सिंगल पर्सन जाते हैं तो 250 रुपीज़ पर हेड आपकी कॉस्टिंग आती है। लोगों ने गाड़ियां देखो आड़ी टेढ़ी ऐसे खड़ी कर दी जिसकी वजह से जाम लग गया। दोस्तों दार्जिलिंग वैसे तो बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है जो कि हर किसी हिल स्टेशन प्रेमी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और लोग बाग यहाँ पर बहुत अच्छे से अपना वेकेशन मनाने के लिए आते हैं। और मोस्टली यहाँ पे वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं मोस्टली कोलकाता के, तो वो ज़्यादा यहाँ पर आना प्रीफर करते हैं। बट मैं जयपुर से हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ पर आया हुआ था और यहाँ पे जो पब्लिक थी बहुत ही ज़्यादा थी, जैसा कि शिमला मनाली नैनीताल के अंदर इस टाइम पर है और सीज़न में हमेशा ऐसी ही भीड़ मिलती है। तो 10 किलोमीटर के बाद हमें मिल गए थे खाली रोड। भाई ड्राइवर ने हमारी ऐसी गाड़ी चलाई कि मतलब 4 घंटे 4.5 घंटे जो हमें आने में समय लगा था उससे भी कम समय में इन्होंने हमें नीचे पहुँचा दिया। भाई ने पूरे 3 घंटे के भीतर भीतर मतलब 3 घंटे से भी कम समय में हमें यहाँ पहुँचा दिया क्योंकि मैं चला था 5:20 पे और अभी हो रहे हैं 8:13, तो अभी 7 मिनट और बाकी है 3 घंटे होने में। तो मैं आ गया हूँ अभी सिलीगुड़ी और यहाँ से मुझे जाना है NJP क्योंकि NJP से मेरी ट्रेन है जयपुर के लिए। तो भाई टैक्सी वाले ने अपने को जहाँ पर छोड़ा था वहाँ से मात्र 100 मीटर के डिस्टेंस पैदल चलने के बाद ही मुझे ई रिक्शा मिल गया जो मुझे 50 रुपीज़ में सिलीगुड़ी से NJP ड्रॉप करने वाला था। और सामने इस साइन बोर्ड को देख के मुझे लगा कि यार ये जलपाईगुड़ी 45 किलोमीटर कैसे रह सकता है कि भैया हमारे को बोल रहे हैं कि 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि न्यू जलपाईगुड़ी और जलपाईगुड़ी बोथ आर द डिफरेंट लोकेशंस। तो भाई हम आ गए हैं NJP रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने 8:48 पर और आधा घंटा लगा हमें यहाँ पहुँचने में। भैया ने क्या गाड़ी चलाई है यार ये ई रिक्शा। तो सुबह से दार्जिलिंग सिलीगुड़ी और अब न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अपना सफर हो जाएगा एंड क्योंकि इसके बाद अपनी जो रिटर्न जर्नी रहेगी वो रहेगी अपनी न्यू जलपाईगुड़ी से जयपुर के लिए। और टोटल 32 घंटों से भी ज्यादा का सफर है ये पूरा जो मैं आज रात को मतलब कल सुबह से स्टार्ट करूंगा सुबह 4 बजे के आसपास से और नेक्स्ट डे दोपहर के 1:30 बजे तक करूंगा। तो यानी कि यार 32 घंटे मायने रखता है, तो देखते हैं कैसा रहता है सफर। तो भाई न्यू जलपाईगुड़ी को पहली वंदे भारत मिल चुकी है जो कि गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच चलने वाली है, जो चली रही है चलने वाली क्या। और ये देखिए कितना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये स्टेशन बहुत ही बड़ा भाई। यहाँ पे टोटल अभी 8 प्लेटफॉर्म है जो अभी ऑपरेटिंग में है। तो फाइनली न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं अपन। ये देखो भाई क्या शानदार स्टेशन है और अभी तो इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और भी इसको बढ़ाया जा रहा है। स्टेशन यहाँ है और टिकट काउंटर बाहर है, तो यार ये चीज़ थोड़ी अजीब सी लगी, शायद ये अंदर करेंगे भविष्य में, लेकिन अभी मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा दिखाने के लिए आपको। भाई न्यू जलपाईगुड़ी के अंदर ये रेलवे कोच की तरह एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, रेल कोच रेस्टोरेंट कम फूड एंड टी स्टॉल। ये देखिए
ओ भाई फॉरेन एक्सचेंज का सबसे पहले बोर्ड लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे टिकट काउंटर का बोर्ड लगना चाहिए था सबसे पहले। लो कोई बात नहीं, ये आ गया अपन टिकट काउंटर की तरफ। तो ये देखो गाइस, टिकट काउंटर पे कोई भी नहीं है इस टाइम भी। चलो अंदर चलते भाई। और ये देखिए, यहाँ से आने के बाद मेन स्टेशन शायद उस तरफ है, तो उधर ही चलना पड़ेगा अपने को भी। और भाई दार्जिलिंग से बाहर निकलने के बाद इतनी गर्मी थी वहाँ पे, मतलब डेढ़ घंटे तक तो सही था, लेकिन उसके बाद जैसे ही दार्जिलिंग से नीचे उतरे तो सिलीगुड़ी में यार पसीने पसीने हो गए हम। NGP के अपर क्लास वेटिंग रूम का ये हाल है अभी। सीट्स हैं ये बिल्कुल हार्ड मेटल की बनी हुई हैं, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है ये। और भाई पब्लिक की वजह से यहाँ पे एसी का जो असर है वो बिल्कुल ही जीरो के बराबर लग रहा है मुझे। रूमाल लेके पसीने पोंछ रहे हैं एसी के अंदर। भूख लग रही थी तो मैं ले आया पिज्ज़ा और एक कोल्ड ड्रिंक। भाई तो हाथ में जगह नहीं है इतनी, इसलिए इस तरीके से दिखाना पड़ रहा है। तो ये पड़ा है मुझे 50 का, जो काफ़ी सही लगा मुझे। A few moments later. ये है शताब्दी एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा, जो अभी हावड़ा से अभी आई है। पूरी गाड़ी खाली हो चुकी है। मैंने खाना अपना पैक करा लिया है और अब मैं जा रहा हूँ वेटिंग रूम की तरफ और वहीं बैठ के इत्मीनान से खाना खाऊंगा, क्योंकि वो लोग अभी बंद कर रहे थे अपना रेस्टोरेंट, क्योंकि अभी 12 बजकर जा चुके हैं। तो मैंने जल्दबाजी में मतलब पैक ही करवा लिया और अब जाके खाऊंगा बाहर। तो भाई अपना खाना लग चुका है। ये है चिकन थाली, चिकन खासा यहाँ का स्पेशल है कुछ। बाकी राइस है, सैलेड दे दी भाई ने, 3 रोटी लिया और कोल्ड ड्रिंक पहले ले लिया था मैंने। और अभी टाइम हो रहा है 12:13, चलो खाते हैं। भाई अभी मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी 5.5 घंटे से भी ज़्यादा डिलेड है। तो देखिए, अपने तौर से स्टेशन से ही वो 6:40 पर चलना था, लेकिन 12:17 पर चल रही है। न्यू जलपाईगुड़ी उसको पहुँचना था 3:55 पर, बट ये पहुँचेगी 9:31 पर। A few moments later. तो भाई मेरी गाड़ी है 5.5 घंटे से भी ज़्यादा डिलेड, जिसकी वजह से मैं अभी एग्जीक्यूटिव लॉन्च में हूँ और उसके लिए मैंने एडिशनली पे किया 150 रुपीज़। इसमें मुझे 5 घंटे का जो है रेस्ट टाइम यहाँ मिल रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, तो 6 घंटे का मतलब सुबह 8 बजे तक मैं यहाँ पे रेस्ट कर सकता हूँ। थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं, चलो बाय। तो भाई अभी पानी की बॉटल लेना बहुत ज़रूरी हो गया। अरे तेरे को क्या हो गया, मेरे को नहीं पहचान रहा। भाई का पेमेंट भी हो गया। तो भाई खाना वाना सब कुछ हो चुका है, पानी की कमी थी तो पानी भी ले लिया और अब चलते हैं लॉन्च की तरफ, एग्जीक्यूटिव लॉन्च बबलू हॉल्डर। और अंदर से दिखा देता हूँ भाई, ये रहा मेरा बैग। IRCTC ने इस बार तो हती कर दी, क्योंकि अब जो ट्रेन है मेरी वाली वो 7 घंटे डिले चल रही है। The next morning. फिलहाल सुबह के 5:30 बज चुके हैं और ये जा रही है शताब्दी हावड़ा के लिए। तो इस गाड़ी की चैन पुलिंग हो गई लगता है, तो इन मैडम के चक्कर में गाड़ी को रोका गया। और भाई विद इन 5 to 10 मिनट्स प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वंदे भारत आने वाली है, जो कि न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के लिए जाती है, जो अभी हाल ही में मतलब रिलीज़ की गई है। तो अभी इस प्लेटफॉर्म पे आकर खड़े होने वाली है, तो इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। भाई यहाँ पे देखिए सिटिंग के लिए कितना खूबसूरत ये बनाया हुआ है, बिल्कुल लकड़ी के फ्रेम जैसा। और ये यहाँ अकेला नहीं है, बहुत सारे हैं और सब पे एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है। तो भाई सामने आ गई है वंदे भारत, जो कि जाएगी अभी गुवाहाटी के लिए न्यू जलपाईगुड़ी से। ये गाड़ी अभी अपने कमर्शियल रन के अंदर है। और दोस्तों 29 मई को इसका इनॉग्रल रन किया गया था गुवाहाटी टू NJP।
बिल्कुल ये पेशेंस को एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट कर रहे हैं। देखो अब ये गाड़ी 7 घंटे से भी ज़्यादा डिले हो चुकी है। जहाँ इसको आना था 3:55 पर, एक्सपेक्टेड ये बता रहा है 11 पर, और अभी भी पता नहीं है कि 11 पर आएगी, इससे भी लेट आएगी, क्योंकि ये और भी लेट होती जा रही है जहाँ जहाँ से गुजर रही है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ अभी न्यू जलपाईगुड़ी के रेलवे स्टेशन, और मैं हूँ अभी एग्जीक्यूटिव लॉन्च के कैबिन के बाहर यहाँ पे। और अब मेरे पास इंतज़ार के अलावा कुछ भी नहीं था करने को, तो मैं आती जाती ट्रेन्स को ही देखे जा रहा था और इसी में मेरा टाइम पास हो रहा था। तो इस गाड़ी का नाम है कामाख्या आनंद विहार एक्सप्रेस, और कुछ गाड़ियों के नाम बिल्कुल अजीब थे जिनको मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ही सुना था। और सामने वाली गाड़ी का नाम था पदातिक एक्सप्रेस। जब तक गाड़ी आती है तब तक यार दही खा लेते हैं, और क्या करें, सुबह से चाय पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। शानदार टेस्ट है यार इसका। कल से केले ले लिए हैं, 20 रुपए के 3 लिए इन्होंने, और अभी दही खा लेते हैं। फ्रूट्स ज़्यादा सही रहते हैं कुछ भी तला वाला खाने से, तो मैंने प्रीफर किया कि फ्रूट खाऊँ अभी। टाइम कितना हो गया अभी, अरे यार ये भी बंद हो गई। तो भाई अंकल ने एक के बदले फिर दूसरा दे दिया बदल के, लेकिन ये भी कच्चा सा है, तो फिर मैंने ये ले लिया पाइनएप्पल। फाइनली यार 11:43 पर ये गाड़ी न्यू जलपाईगुड़ी दिखा तो रही है अभी, तकरीबन 8 घंटे के डिले के साथ, बट स्टेशन पर तो दिख ही नहीं रही दूर दूर तक, ना इधर ना इधर। तो पीछे जो गाड़ी आ रही है वो है नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। बाकी सारी गाड़ियाँ तो टाइम से चल रही है, लेकिन मेरी वाली गाड़ी साला 8 घंटे के बाद भी स्टेशन पर नहीं दिख रही है दूर दूर तक। लाइफ में पहली दफ़ा इतना ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ मैं यार IRCTC की सर्विस से। तो अपनी गाड़ी का अनाउंसमेंट हो रहा है, और जहाँ तक है वो सामने मुझे गाड़ी दिखाई देने लग रही है, वो दिख रहा होगा आपको लाइन, तो अपनी गाड़ी आ रही है शायद जो इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी। लो जी गाड़ी दिखाई भी देने लगी। एनजेपी से आपको अंडे भी मिल जाएंगे बॉइल, तो मैं वाओ यार क्या कर रहे भाई। ये गाड़ी किस लिए लेट थी, उसके काफी सारे रीजन है। एक तो वहाँ पे